हे मेरी प्यारी फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हैं सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो मॉर्निंग की चाय बन रही है, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय, जो कि सर्दियों में यार मस्त लगती है। सुबह सुबह मन करता है यार चाय मिल जाए सबसे पहले ना, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सुबह सुबह लगना पड़ता है किचन में, सबको ऑफिस जाना होता है और बिना पूजा किए मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो फिर बना रही हूँ भाई यहाँ पे आज खाना तो डेली होता, आज बना रही हूँ मैं टमाटर मटर आलू की सब्जी। तो वही आलू बॉईल करके छील लिए हैं, एंड यहाँ पे मटर को पहले मैं कर लेती हूँ तो रोस्ट, ताकि ना बाद में जो है मटर फिर गल नहीं पाती, टमाटर डालने के बाद ना टाइम लगता है, थोड़ा सा गल तो जाती है बट टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ मटर को, उसके बाद फिर टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल देती हूँ और सारे मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए। तो अब ये जो है ना टमाटर का पेस्ट, ये प्योरी भी अच्छी तरीके से जब भुन जाएगी उसके बाद फिर मैं आलू ऐड करूँगी। नमक मैंने डाल दिया थोड़ा सा, और जब तक मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को तबीयत वैसे भी सुबह सुबह से ही ख़राब लगना स्टार्ट हो गई थी, जुकाम से लगने लग गया था। तो बालों को ड्राई कर लेती हूँ, और जब तक मसाला भी भुन जाएगा फिर उसमें ऐड कर दिया मैंने ये आलू उबले हुए, एंड बस आज ही गर्मा गर्म सब्जी बन रही है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के पराठे, तो बथुआ भी पीस लिया यार, और पता नहीं सडनली क्या हो गया, हिचकियाने लग गए हैं, वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया, जब से हिचकी भी स्टार्ट हो गई है, पानी पी लिया और बंद नहीं हो रही है। खैर छोड़ो, यहाँ पे सब्जी बन रही है और अब लगा लेते हैं आटा पराठे के लिए। और देखो यार, सारी सर्दियाँ निकल गई और हम लोगों ने बथुआ जो है अब खाया है, मैंने पूरे सीज़न में ना इस बार बथुआ हमने मतलब खाया ही नहीं है, तो ये फर्स्ट बार जो है ये बथुआ के बना पराठे बन रहे, इस बार बथुआ जो है कमाया है, बाकी सब चीज़ खाई है, पालक वालक सब कुछ। तो यहाँ पे बथुए का जो रायता है वो भी बना लिया था, क्योंकि बथुआ ज़्यादा था तो फिर पराठे के साथ साथ रायता ही बना लिया, उसमें लगा दिया तड़का और रायता बन के रेडी हो गया है, सब्जी बन चुकी है। बस यहाँ पे पहले गौ माता के लिए निकाल देती हूँ और सुबह सिर धोती हूँ ना, सिर धोने के बाद ना बाल झड़ते हैं थोड़े बहुत, तो फिर इसलिए मैंने उनको टाई किया, और आलस सा आता है ना सुबह सुबह बाल खोल के लगो किचन में अजीब सा लगता है, तो फिर इसलिए फिर मैं बांध ही लेती हूँ, मोस्टली आपने देखा है जूड़े लगा के रखती हूँ। तो यहाँ निकाल लेते हैं पहले गौ माता के लिए, उसके बाद अपने कान्हा जी के लिए, और फिर पापा जी का पैक करूँगी, हस्बैंड का पैक करूँगी और जीनी मैडम का भी पैक करूँगी। आलू मैंने थोड़े से निकाल लिए अलग, क्योंकि जीनी को जो है वो आलू भर के पराठा कर दूँगी, हस्बैंड तो खाली बथुए का ही खाते हैं, उन्हें आलू भरे हुए अच्छे नहीं लगते, बाकी जीनी को कर दूँगी, एक मैं अपने लिए आलू भर के करूँगी चाय से खाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सब्जी जो जो मैं बनाती हूँ सुबह गाय के रोटी में या पराठे में, वो हर चीज़ निकाल देती हूँ, और थोड़ी सी मीठे के लिए चीनी हल्की सी ऐड कर देते हैं। तो बस अब सेकते हैं, सेकने का नंबर लगाते हैं। तो यार नीचे पूजा करके आ चुकी हूँ मैं, पापा जी को दे दिया है, और अब इन दोनों का पैक कर देती हूँ, हस्बैंड का और जीनी का। तो सारी चीज़ रखी रही थी, बस जीनू का रह गया था, जीनू का भी पराठा सेक के गई थी, मतलब सेक तो मैं पहले देती हूँ बट पैक करना है जो मैं आके करती हूँ आराम से। तो अब जीनी को भी रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद ही उसका लंच जो है वो रेडी कर लूँ अब। तो पराठे के साथ में मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी रख देती हूँ, क्योंकि आलू की है और आलू जो है जीनू के फेवरेट है, खा लेती है, अदरवाइज़ कोई और सब्ज़ी बनी होती है ना तो फिर कैचअप या फिर दही वगैरह रखना होता है, और साथ में कुछ ना कुछ रख ही देती हूँ एडिशनल में, तो कभी बिस्किट, तो आज ये रखे थे वेफर,
तो मैंने वेफर रख दिए हैं एंड यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पराठे दे दिए थे तो वही खा रहे रहते थे। और जीनी मैडम का तो हो ही चुका है, जीनू का दूध रह गया है तो जीनू पिएगी अब दूध। जो आप खा रहे थे उस पे नेम लिखते हैं फिर ऊपर। हाँ तो खाते हैं। हाँ। तो आज यही होगा। समझ गया आज। उसमें जब लिखते हैं उसको लाके तब खाते हैं। उसको दूध भी पीते हैं ना। पीते? ना ना। दूध भी पीते हैं। तो यार काम से हो चुकी मैं फ्री। बर्तन रखने रह गया, बर्तन रखूँगी बाद में धुले हुए जब पानी निकल जाएगा जब तक। और अभी फ़िलहाल जो है जीनू को लाने का टाइम हो चुका है, तो जीनू को लेने के लिए मैं निकलने वाली हूँ। 12 बज गए तो उसको लेने के लिए 10-5 मिनट में निकल जाऊँगी। बाल बाल सही कर लेती हूँ अपने, काम तो मैंने कर लिया था, ड्राई तो हो गए, बाल बांध लेती हूँ और फिर जाती हूँ। मेरे को ना जुकाम से लग रहा है, मॉर्निंग से उठी ना जब से नाक में जीप से लग रहा है, जुकाम की जो स्टार्टिंग होती है ना वो लग रही है आज मुझे। जीनू को हो गया था तो मुझे तो भाई होना ही था, जीनू को खांसी वगैरह थी, बट उसका तो मुझे सही लग रहा है, दवाई पिला दी थी उसको तो वो बेटर है, बट मुझे लग रहा है मेरे को होने वाला है। जाती जाती ठंड ना देख ही जाएगी। और यार शाम के टाइम पे हस्बैंड को करनी थोड़ी शॉपिंग, कुछ लेना क्योंकि जाने वाले हैं कहीं पे, तो उसी के लिए तो हम लोग आ गए थे मार्केट में। तो मैं सोचा चलो यार अपना ग्रोसरी का सामान भी ले ही लेते हैं। लो दो। चार हो गई दीदी, मामा पकड़ लो। ये वाले ना ये तो अरे ये तो अच्छे होते हैं, यही तो अच्छे होते हैं। रुको ये अच्छा लगता है। कौन सा? हाँ तो वो भी ले लो एक। रुको 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 रुको, ये नहीं छोटे वाले ले लो, ये ले लो, ये वाला टू ले लो बस। चलो हाइडन सीख है नहीं, कोई बात नहीं होगा। ये ले ना अच्छी वाली क्रीम क्रीम के डाल लो। मटर हाँ दो ले लो, एक किलो वाली ये लगी है ना नीचे, इसमें होगी नहीं मटर एक किलो का पैकेट नहीं है ना, ये डाल दो। चलो दे दो मम्मी। थैंक यू जीनू। चलो जीनू के मजे आ गए खेलने में, लग पड़ी लग जाएगी चोट। हो गया चले। चलो भैया लुट गए। क्या लगा होता है उसमें रखेंगे? अच्छा दादी को नहीं दोगे? ना दे दो ना, मैं दादी में जाऊंगी। मैं कल दादी में जाऊंगी और कोई उधर देगा ना फ्लॉप तो मैं तो मना कर दूंगी, खुद ले लूंगी। दादी को तो दे दो मुंह देगा। और यार मार्केट से आने के बाद फिर खाना पीना किया, वही बर्तन वर्तन करने के बाद मतलब बड़ी मुश्किल से किया मैंने। और सडनली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगी, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और फीवर सा लग रहा था, ऐसे फीवर आने वाला है तो वैसा फील हो रहा था। तो फिर मैं लेट के इन्होंने बोला फिर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, तो कॉफ़ी पी के फिर अच्छा लगेगा थोड़ा, तो इसलिए फिर सबके लिए जो यहाँ पे कॉफ़ी। और यार कैमरे की तो मना कर रहे थे लगाने को, बट मैंने लगा ही दिया क्योंकि यार तबीयत ख़राब होती है थोड़ा बहुत, कुछ हस्बैंड नहीं करेंगे तो फिर और कौन ध्यान रखेगा ना, मेन तो हस्बैंड ही होते हैं घर में, तो थोड़ा सा भी कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ तो खैर ये नहीं करते सच बताऊँ तो, बट हाँ जितना भी करते हैं तो अच्छा फील होता है उस दिन, तो इसलिए फिर चलिए आज के ब्लॉग भी यार इसी के साथ कर देते हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।